हाँ जी, वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। आपने दिल्ली में पराठे तो बहुत खाए होंगे, तो आज मैं आपको ग्वालियर में बढ़िया वाले पराठे खिलाने वाला हूँ, जो शानदार तरीके से बनाते हैं। आलू वाला पराठा बहुत सस्ता मिलता है। ये देखिए, गर्मा गर्म पराठे लग चुके हैं सर पे। ये देखिए साइज, देखिए पराठे का, भैया कितना बड़ा, देखिए कितना बड़ा पराठा है। पे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं। एक छोटी सी रेहड़ी है, रोड किनारे यहाँ पे लगी है। इस तरह पीछे एक हॉस्पिटल है। बहुत मेहनत के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। रेट में आप भैया से ही पूछूंगा, वो आपको बताएंगे। और क्या क्या मिलने वाला है पराठे के साथ, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। हाँ तो भैया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं सर। बढ़िया हैं। आपको क्या खिला रहे हैं आज, मतलब क्या बना रहे हैं यहाँ पे? आलू का पराठा। अच्छा, आलू छोले की सब्जी है, दाल रायता है। अच्छा, तो आलू का पराठा और आलू छोले की सब्जी, दाल रायता। अच्छा, ये पराठे के साथ ही देते हैं अपन? अरे वाह, साथ दिए। तो अभी अपन भैया देखिए यहाँ पे पराठा बेल रहे हैं, और ये दाल है अपनी, थोड़ा चला के दिखा दीजिए। ये काफ़ी गाढ़ी दाल है दोस्तों, ये देखिए। अरे वाह, और छोले की सब्जी दिखा दीजिए थोड़ा। छोले की सब्जी, अरे वाह भैया वाह। तो दोस्तों यहाँ पे सारे मसाले डल चुके हैं, आलू के भुर्ता बनने के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पे एकदम फ्रेश आटा माड़ा जा रहा है, और जो तैयार हो गया है, इसी से अपने पराठे बनने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपने आलू का भुर्ता जो भैया बना रहे थे वो भी रेडी हो चुका है, आटा भी रेडी हो चुका है, सब्जी पहले से रेडी है। और देखिए ये भाभी जी हैं, भैया के साथ ही हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ये छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा साइज है पराठे का बेलने के बाद, मतलब इतना बड़ा पराठा आया, अगर आप दो खा लें तो आपका पेट टन हो जाएगा। ये तेल लगा के सेका जा रहा है मस्त। जी जी भैया, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं यहाँ के बारे में। तो ये पराठे का प्राइस कितना होने वाला है? एक पराठे का प्राइस है 20 रुपये। 20 रुपया? 20 रुपये पराठे में अपन क्या क्या दे रहे हैं? 20 रुपये पराठे में आलू छोले की सब्जी, दाल रायता, अचार, सलाद सब देते हैं। आलू छोले की सब्जी, दाल और रायता और सलाद और अचार, इतना सारा आइटम। तो इस तरह से प्लेट में तैयार किया जा रहा है अपना खाने के लिए। और सब्जी की बात करें तो दोस्तों, ये अपनी छोले और आलू की सब्जी थी, यहाँ पे बढ़िया गर्म है एकदम। ये देख सकते हैं मस्त धुआं निकल रहा है इसमें, शानदार धुआं निकल रहा है इसमें। और ये देखिए, तो ये आ गई छोले और आलू की सब्जी, और ये आ गई है गर्मा गर्म दाल, अरे वाह। और ये आ गया अपना रायता। तो ये तीन आइटम है, साथ ही साथ अचार भी है, थोड़ा सलाद भी है इस प्लेट में अपने को मिलता है। और ये पराठा 20 रुपये का है, जैसा कि भैया बता रहे थे, तो 20 रुपये में भाई साहब कितना कुछ मिल रहा है यहाँ। आ गए अपने पराठे, ये देखिए आप, ठीक है, मतलब 20 रुपये में मोटा पराठा है, बड़ा पराठा है, पेट भरने लायक है ये। अपने साथ नीरज भैया हैं और पराठा का स्वाद ले रहे हैं। मज़ा आ रहा है? ठीक है, कैसा है? अच्छा है। तो आलू भी भरा गया है, देखिए आलू भी आपको साफ नज़र आ रहा है इस पराठे में, ये देखिए अंदर तक। तो भैया आपका पराठा एकदम लाजवाब था, मस्त था, टेस्टी था। और थोड़ी बात कर लें यहाँ की लोकेशन के बारे में, अगर कोई आना चाहता है तो थोड़ा एड्रेस वेड्रेस के बारे में आप बता दीजिए। यहाँ पे जी माधव डिस्पेंसरी के नाम से जाना जाता है। माधव डिस्पेंसरी, सरकारी हॉस्पिटल के बाहर वाले गेट पर अपनी ये शॉप लगती है। तो ये थे अपने भैया यहाँ पे, और कुछ इस तरह का भैया का सेटअप है। हमारे नीरज भाई बढ़िया जायका ले रहे हैं पराठे का, इनको बड़ा मज़ा आ रहा है, ये देखिए। और ये अपना माधव डिस्पेंसरी, ये सामने सरकारी अस्पताल है, ये ग्वालियर का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है। ये रोड है, रोड साइड काफ़ी सारे ठेले लगे हैं, यहीं पर ही भैया का ये स्टॉल है, ये रेडी है, और आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, आके पराठे खा सकते हैं। तो टाइमिंग वगैरह के बारे में कुछ बता दीजिए, कितने बजे से कितने बजे तक? अपना 9 से रात के 10 तक। अच्छा, सुबह 9 से रात के 10 बजे तक। ओके, धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा।